दोस्तों मैं विकास कुमार, वेलकम है माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आप सभी को राउंडिंग वाला पैड कैसे बनता है मैं आप सभी को डिटेलिंग वीडियो में आप सभी को बनाकर दिखाऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो पे छोड़ के कहीं मत जाइएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपका समय न गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, आप भी मेरे यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों ये हमारा पैड है जो राउंडिंग वाला पैड है, इसको आप ट्रस पे भी लगा सकते हैं, हर जगह इसको लगा सकते हैं जहाँ पे आपको डेकोरेशन या मान स्टेज बनाना है या कुछ भी बनाना है। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी को पहले इसको नाप के बता दूँ ये कितने बाय कितने में है। तो देख लीजिए दोस्तों ये हमारा टोटल ये 1.5 फीट में आ रहा है, ये 1.5 फीट का है और इसकी चौड़ाई जो है 10 इंची है। इसकी चौड़ाई देख लीजिए दोस्तों ये पूरी 10 इंची है इसकी चौड़ाई, जो इसमें सारे जो हैं आपको दिख रहे हैं इसमें जो सारे कांटे हैं इन्हीं में सारे में फ्लावर लगेंगे। देख लीजिए दोस्तों ये हमारा फुनगी है और ये हमारा फ्लावर पाता है। तो मैं पहले फ्लावर को पाता को लगाऊंगा जो मैं कैसे लगाया जाता है मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। मैं सब कुछ आपको छोटी सी बड़ी तक की जानकारी मैं इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग कुछ सीख पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे, कुछ जानकारी पा पाएंगे। तो देख लो दोस्तों ये हमारा पूरा एक फ्लावर लग के ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आपको सारा लगाकर सेट करना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले इसको पत्ता को सेट कर लीजिए, हर एक पत्ता आप पहले सेट कर लीजिए, उसके बाद सारा फ्लावर लगाइएगा। तो पहले आप मैं क्या कह रहा हूँ पहले आप पहले पत्ता को सेट कर लीजिए, सारा पत्ता जो पहले इसको सेट कर लीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों किस तरह से ये पत्ता सेट होता है मैं आप सभी को दिखा दूँ। तो प्लीज़ दोस्तों अभी तक जो मेरे इंस्टाग्राम आईडी को नहीं फॉलो किया प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे न्यू वीडियोस न्यू फ़ोटोज़ डालता रहता हूँ और वहाँ पे आपका मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये चीज़ आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इस चीज़ का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा हूँ, आप वहाँ पे जाकर इसका रेट पता कर सकते हैं। आपको मैं इसको बहुत ही सस्ते में आपको विजिट करवा दूंगा, आपको दिलवा दूंगा, बाय करवा दूंगा। अगर चाहिए तो आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका पूरा जो भी आपको चाहिए, अगर इसको माल अगर आप कच्चा माल में लेना चाहते हैं जैसे खुलता में लेना चाहते हैं तो ये मैं खुलते में दिलवा दूंगा आपको। अगर आप फूल अलग से लेना है या पत्ते अलग से लेने हैं या इसकी फुनगी अलग से लेना है तो मैं सब कुछ आपको अलग अलग सारा दिलवा दूंगा। अगर आपको पैड लेना है राउंडिंग पैड लेना है इसको भी अलग से दिलवा देंगे। अगर आपको राउंडिंग पैड के बारे में कुछ जानना है कि कितने में मिलता है तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, मैं आप सभी को इसके बारे में फुल डिटेलिंग में बताऊँगा। तो ये कितने में बनता है कितने में मिलता है ये मैं सब कुछ मैं आप सभी को बताऊँगा। तो ये इसकी पैड के बारे में कि ये आपको कहाँ पर मिलेगा ये मैं सब कुछ आपको कमेंट में बताऊंगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो फिर भी मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको फ्लावर की मार्केटिंग करना है तो एक बार हमारे गोरखपुर में आइए, मैं आपको सबसे सस्ता फ्लावर यहाँ पे दिलवाऊंगा। यहाँ पे जो है मार्केट दिल्ली से डायरेक्ट मार्केट यहाँ से आती है और दिल्ली के रेट से आपको यहाँ पे फ्लावर मिलेंगे, हर प्रकार के फ्लावर मिलेंगे। आपको कुछ भी लेना है A to Z फ्लावर से रिलेटिव डेकोरेशन से रिलेटिव कोई भी सामान लेना है तो एक बार सेवा का अवसर ज़रूर दे। मैं आपको दुकान का नंबर दुकान का नाम मैं सब कुछ आपको डिटेलिंग डिटेल में मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैं दुकान का नाम भी डाल दिया हूँ
और उनका जो है मोबाइल नंबर भी डाल दिया हूँ। अगर आप मेरे से नहीं लेना चाहते हैं, अगर मेरे से संपर्क नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट उनसे मिलना चाहते हैं, तो ये भी सुविधा है, आप उनसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं ये भी सुविधा मैं आपके लिए लगा दिया हूँ, आपको जो जैसे अच्छा लगे आप वहाँ, जैसे भी आपको मार्केटिंग करने का मन करे आप मार्केटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा पूरा पैड, अभी ये पत्ता लग रहा है, ये पत्ता कैसे आपको किलो में मिलेगा, फुटकर में मिलेगा, अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल पे कमेंट करिएगा, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, ये कैसे मिलता है, कितने किलो में मिलता है कि फुटकर में मिलता है, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा पत्ता जो है लग के अब कंप्लीट होने वाला है, जो ये सारे पत्ते बस लग चुके हैं, दो चार पत्ते रह चुके हैं, अभी वो भी आपके सामने कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह से सारा पत्ता आपको पहले ये राउंडिंग वाले पैड में लगा देना है, फिर उसके बाद आपको ये लगाने के बाद आप अगर चाहें तो फुनगी भी लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो ओनली फ्लावर भी लगा सकते हैं। और फ्लावर इसमें यही नहीं कि आप गुलाब का लगाइए, जो गुलाब आप देख रहे हैं, यही ज़रूरी नहीं है कि आप गुलाब ही लगाइए, आप कॉर्नेशन लगा सकते हैं इसमें, नहीं तो आप कॉर्नेशन नहीं लगा रहे हैं तो लिली लगा सकते हैं इसमें, लिली फ्लावर लगा सकते हैं। अगर लिली फ्लावर लगाएंगे तो इसमें खूबसूरती और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और भी खूबसूरती इसका बढ़ जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा पूरा ये पत्ते से पूरा, ये अब हमारा पत्ते से पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये बस दो क्षण की देरी और है, बस ये भी हमारा पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा पूरा पैड और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इस पर फनगी लगाऊंगा, ये जो है जो साइड में रखा गया है फनगी, गुलाब के बगल में रखा गया है, अब वो फनगी लगेगा। तो ये हमारा पैड जो है, आपका कोई भी फ्लावर अगर लगाना चाहें तो आप इसमें लगा सकते हैं, जैसे लिली हुआ, कॉर्नेशन हुआ, ये सब सारा फ्लावर आप लगा सकते हैं, जैसे गुलाब हुआ, आप ये सब कुछ आप लगा सकते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हम फुनगी लगा रहे हैं उसका जो है, अब इसको देख लीजिए किस तरह से लगाया जाता है दोस्तों, इस तरह से इसको ही फुनगी लगाया जाता है। अब ये बारी बारी सारा एक एक करके सारा फुनगी आपको इसमें सेट करना है दोस्तों, इतना ध्यान रहे जब इसको सेट करें तो पूरा नीचे दाब कर अंदर तक का सेट करें, क्योंकि ये निकले ना फ्लावर भी, ये गुलाब भी तब अच्छे से बैठ जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा एक लाइन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये फुनगी जो हम लगा रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादातर लगाएँ, ज़्यादा लगाएं, डबल लगाएं तो और भी खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ये जो है इसका लुक जो है बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत गजब का लगता है। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से ये सारा फुनगी आपको ऐसे बारी बारी लगा लेना है, क्योंकि अगर आप चाहें एक एक करके फ्लावर भी लगा सकते हैं, एक एक करके पूरा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये हमको लगता है ऐसे करने से आपका काम जल्दी होगा और आपका समय नहीं ज़्यादा लगेगा, इसलिए जब भी फ्लावर लगाएं तो पहले एक चीज़ को सेट कर लिया जाता है, फिर उसके बाद दूसरा से चीज़ इसमें सेट करना है। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से मैं जैसे सेट कर दिया था, पहले पाता सेट कर दिया था, अब मैं उसका फुनगी सेट कर रहा हूँ। तो ऐसे सेट करने पर दोस्तों आप सभी का काफ़ी कम समय लगेगा और जल्दी हो जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से ऐसे हमारा आधा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस आधा और होना है। तो देख लीजिए दोस्तों, इसका लुक अब देखिए किस तरह से लग रहा है, कितना गजब लग रहा है, अभी जब फ्लावर लग जाएगा और भी ज़्यादा खूबसूरत ये दिखेगा।
तो प्लीज़ दोस्तों, अभी तक जो भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाइएगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दूँगा। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से ये मेरा सुनगी पूरे तरीके से कंप्लीट होने वाला है। मैं एक व्हाट्सएप ओनली डेकोरेशन से रिलेटिव मैं व्हाट्सएप ग्रुप चलाता हूँ, और आपको अगर इसमें जुड़ना है, आपको कुछ सीखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए उस प्रकार का वीडियो में बनाकर आपको सिखाऊंगा एंड दिखाऊंगा एंड बताऊंगा भी। जैसा आपको नहीं आता है, जो चीज़ नहीं आते हैं वो आप मेरे पे कमेंट करिए, मैं आप सभी को हर एक चीज़ डिटेलिंग में सिखाऊंगा एंड बताऊंगा भी। तो प्लीज़ दोस्तों, अभी तक जो भी मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी जाएं और मुझे फॉलो कर लें और वहाँ से मेरा न्यू वीडियोस, न्यू फ़ोटोज़ अपडेट डालता रहता हूँ। तो आप जाइए वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी को मेरे, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मैं अब जा रहा हूँ फ्लावर लगाने। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा फ्लावर इस तरह से ऐसे बैठाया जाता है। मैं दोस्तों, मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि ये फ्लावर सिर्फ आपको गुलाब ही नहीं बैटन लगाना है। अगर आपके पास जो है, जैसे कार्नेशन हुआ या आपका लिली हुआ, जो भी फ्लावर इसमें अगर आप लगाना चाहें तो इसमें लग सकता है, उसकी खूबसूरती भी वैसी की वैसी रहेगी जिससे ये गुलाब का लग रहा है। आपका अगर गुलाब का महंगा पड़ रहा है तो आपको अगर सस्ते बजट में, कम बजट में करना है तो आप कॉर्नेशन भी लगा सकते हैं या लिली भी लगा सकते हैं, जो आपको सही लगे। तो इतने बजट में ये पूरा पैड मैं आप सभी को बता दूं, इसकी प्राइस जो है मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा। अगर आपको इसकी प्राइस जानना है तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका प्राइस भी बताऊंगा कि ये कितने का मिल जाएगा आपको पूरा कम्प्लीट ये पैड राउंडिंग वाला। आपको मैं पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ ये पूरा पैड मैं आपको बताऊंगा, इसका रेट कितने में ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। और भी कुछ इस पैड के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल पर कमेंट करें, मैं आप सभी को फुल डिटेलिंग में इसके बारे में बताऊंगा। तो आपको वैसे ही ऑलरेडी मैं आप सभी को इसके बारे में भी दिखा भी रहा हूँ एंड बता भी रहा हूँ। अगर आपको ये पैड सिर्फ पैड ही लेना, राउंडिंग पैड लेना है, ये कितने में मिल जाएगा ये भी मैं आप सभी को बताऊँगा। वैसे अगर आपको पत्ती लेना है या उसकी फुनगी लेना है, अलग अलग सारा सामान लेना है, तो सब कुछ जो भी चाहिए आपको प्लीज़ मेरे चैनल पर कमेंट करिएगा, मैं आप सभी को फुल डिटेल से इसके बारे में बताऊँगा ये कैसे मिलता है। और इसकी वीडियो तो मैं इसलिए मैं बना दे रहा हूँ कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर आप माल खुलता में लाते हैं आपको नहीं सेट करने आएगा, इसलिए मैं इसको वीडियो को बनाने का मकसद है। और बहुत सारे फ्रेंड ऐसे भी हैं जो सब कुछ सामान रहते हुए भी इसको सेट मतलब बना नहीं पाते हैं, बहुत सारे फ्रेंड की नहीं सेट कर पाते, नहीं बना पाते हैं और स्टेज का काम नहीं कर पाते हैं। तो आपको ज़रा सा भी कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा, मैं आपको ऐसे कम समय में ऐसे सिखा दूंगा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप, मैं आपको एक घंटे में मात्र स्टेज कैसे बनता है और सब कुछ कैसे, आपको खाने वाला स्टाइल कैसे बनता है, सब कुछ आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको स्टेज डेकोरेशन का काम खोलना है या सीखना है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल पर कमेंट करें, मैं आपको सब कुछ डिटेल में आराम से सिखा दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पूरी तरीके से ये कंप्लीट होने वाला है, एक एक बाई एक एक कलर लगा कर ये पूरा मेरा कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए पीला फूल लग रहा है, ये गुलाब का फूल है,
सारा इसमें जो भी कलर अलग अलग लगे हैं सारे ये गुलाब के लगे हैं। और देख लिए दोस्तों, ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप इसको कैसे भी, आप जहाँ भी चाहें वहाँ पे भी लगा सकते हैं, ट्रस्ट पे लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं इसको। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो इसकी फनकी जो है दबी है उसको मैं निकाल रहा हूँ। अगर आपको भी ऐसे सेट करके आप स्टेज पे भी लगा सकते हैं, गेट पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो देख लें दोस्तों, ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मैं आप नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को ये बताऊंगा कि ये गुलाब देखिए दोस्तों, ये गुलाब जो है पीला वाला, ये सब गुलाब कैसे बनते हैं मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अभी के लिए दोस्तों बाय, एंजॉय माई वीडियो, फिर मिलते हैं।